ये फाइनल टर्म की हाइलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 506 के फाइनल टर्म के हाइलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है कि अब बीन क्लास डैश बी सीरियलाइज, बीन क्लास जो है डैश बी सीरियलाइज, तो उसका आंसर है कि मस्ट बी सीरियलाइज, यानी कि लाजमी तौर पर सीरियलाइज होना चाहिए बीन क्लास जो है। उसके बाद है कि JSP एक्शन एलिमेंट्स अलाउज अस टू वर्क विथ, जो JSP एक्शन एलिमेंट्स होते हैं ये अलाउ करते हैं हमें कि हम वर्क करें किसके साथ, जावा बीन्स के साथ, जावा बीन्स इसका आंसर है। उसके बाद है कि MVC स्टैंड्स फॉर, MVC जो है एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो है मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसके बाद है कि लेयर रिप्रेजेंट द डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन, लेयर जो है वो रिप्रेजेंट करती है कौन सा व्यू एप्लीकेशन का, वो है लॉजिकल व्यू, सो लॉजिकल व्यू जो होता है एप्लीकेशन का। उसके बाद ये कि टीयर्स रिप्रेजेंट द डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन, जो टीयर्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कौन सा व्यू एप्लीकेशन का, वो है फिजिकल व्यू, जो फिजिकल व्यू होता है एप्लीकेशन का। उसके बाद ये कि मैनेज बीन इस जावा बीन विच आर डिफाइंड इन, मैनेज बीन जो है वो जावा बीन्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है कौन सी फाइल के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। उसके बाद ये कि UDDI स्टैंड्स फॉर, UDDI जो है वो एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन, सो फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि डैश इज अ स्टैंडर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो एक स्टैंडर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, वो है JSF, JSF। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल पर्पस कंटेनर, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जनरल पर्पस कंटेनर है, वो है JPanel, JPanel, सो थर्ड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है इज और आर यूज्ड इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ वेब कंपोनेंट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में वेब कंपोनेंट्स के, सो फर्स्ट वन जो आंसर है वो ही इसका आंसर है, जो फर्स्ट वन ऑप्शन है। और उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है इज अ करेक्ट ऑर्डर, वो जो करेक्ट ऑर्डर है फॉर बीन स्कॉप, बीन स्कॉप के लिए इन JSF JSP पेज, फ्रॉम मोस्ट विजिबल टू लीस्ट विजिबल, मोस्ट विजिबल से लीस्ट विजिबल तक, सो वो है सेकेंड वन ऑप्शन जो कि है पेज रिक्वेस्ट सेशन एप्लीकेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सिंपल टैग वाइल क्रिएटिंग JSP कस्टम टैग, इनमें से कौन सा जो है वो शामिल नहीं है सिंपल टैग में जब क्रिएट किया जा रहा है JSP कस्टम टैग्स को, वो है एट्रीब्यूट्स, सो एट्रीब्यूट्स जो इसका आंसर है। उसके बाद ये कि AWT इज ऑल्सो कॉल्ड, AWT जो है और भी क्या कहलाया जाता है, वो है मीडियम वेट कंपोनेंट, मीडियम वेट कंपोनेंट। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ द JSP लाइफ साइकिल, वो है JSP सर्विस, JSP सर्विस सेकंड वन जो इसका ऑप्शन है वही इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स ऑफ अ सर्वलेट आर डिफाइंड इन डैश फाइल, जो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स होते हैं एक सर्वलेट के, उनको डिफाइन किया जाता है कौन सी फाइल के अंदर, वो है web.xml, web.xml, सो थर्ड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि द गेट सेशन मेथड ऑफ डैश रिटर्न्स HTTP सेशन ऑब्जेक्ट, सो इसका जवाब है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, सो सेकंड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि अनपैक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ JEEE वेब एप्लीकेशन है, जो अनपैक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है JEEE वेब एप्लीकेशन का, वो इनमें से क्या है, वो है यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी, इनमें से कौन सी डायरेक्टरी जो है द टॉप लेवल, वो जो है टॉप लेवल टॉमकैट डायरेक्टरी है जिसके अंदर जो है तमाम जो है एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉयड होती हैं वेब सर्वर के ऊपर, सो वो है वेब एप्स, सो वेब एप्स इसका आंसर है, फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि सर्वलेट मैपिंग ऑफ अ सर्वलेट, सर्वलेट मैपिंग जो है एक सर्वलेट की वो डिफाइंड है कौन सी फाइल में, web.xml के अंदर, सो थर्ड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि बाई यूजिंग फॉरवर्ड मैथड ऑफ डैश ऑब्जेक्ट,
यूज करते हुए फॉरवर्ड मेथड जो है डैश ऑब्जेक्ट का जो कॉल्ड रिसोर्सेस है वो एबल होंगे कि एक्सेस करें ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो इसका जवाब है रिक्वेस्ट डिस्पेचर, रिक्वेस्ट डिस्पेचर इज द आंसर। उसके बाद ये अ डैश इन हैश मैप, हैश मैप के अंदर डैश जो है वो एसोसिएट होता है विद ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के साथ जो कि स्टोर है। सो वो है की जो है हैश मैप के अंदर, सो की इज द आंसर। उसके बाद ये कि माउस इवेंट्स कैन बी ट्रैप्ड फॉर डैश गुई कंपोनेंट। सो इसका आंसर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, इसके अंदर जे फ्रेम भी है, जे पैनल भी है, जे बटन भी है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि पोर्ट इज अ ट्रांसपोर्ट एड्रेस, पोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट एड्रेस है टू विच प्रोसेसेस कैन डैश, प्रोसेसेस क्या कर सकते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए लिसन कर सकते हैं। सो लिसन इज द आंसर। उसके बाद ये कि इन विच फाइल डू वी डिफाइन अ सर्वलेट मैपिंग, किस फाइल के अंदर हम डिफाइन करते हैं सर्वलेट मैपिंग, वो है web.xml। सो web.xml इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज अप्रोप्राइड, वो अप्रोप्राइड है फॉर पेज विद बीन अप्रोच। सो वो है ऑल द बिजनेस लॉजिक गोज इनटू वन एप्लीकेशन। सो लास्ट वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि डी एस एन स्टैंड फॉर, डी एस एन जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इनमें से वो है डेटा सोर्स नेम, डेटा सोर्स नेम इज द आंसर। और उसके बाद ये कि वन एप्लीकेशन हैज डैश सर्वलेट कॉन्टेक्ट्स, एक एप्लीकेशन के कितने सर्वलेट कॉन्टेक्ट्स हैं, एक ही है। सो वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि इन पैकेज, पैकेजेस के अंदर क्या करते हैं, वी ऑर्गेनाइज फाइल, हम ऑर्गेनाइज करते हैं फाइल को इनटू डिफरेंट डायरेक्टरीज अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्टरीज के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं किसके मुताबिक, ऑल ऑफ दिस जितने भी ऑप्शन हैं इनके मुताबिक, फंक्शनैलिटी के मुताबिक, यूजिबिलिटी के मुताबिक, कैटेगरी के मुताबिक। सो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। उसके बाद ये कि इंटायर जेएसपी पेज गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू अ सर्वलेट डैश, पूरा का पूरा जो जेएसपी होता है, जेएसपी पेज वो ट्रांसलेट होता है सर्वलेट के अंदर वंस, यानी कि एक बार। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।